दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं न्यू यू एफ सी चैम्प ब्रेंडन मुरेनो के बारे में द फर्स्ट मैक्सिकन बॉन चैम्प दोस्तों ये अपने में बहुत ही बड़ी बात है किसी भी देश के को रिप्रजेंट करना और पहला चैम्प बनना खासकर यू सी के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी बात है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइट जीती और जिसके अगेंस्ट जीती इस विन को वो और भी बड़ा कर देती है अगर आपको याद हो कि जो चैम्प थे जब फिगरेडो ही वॉज विनिंग द फाइट बाई समिशंस ही वाज द गाय कि अरे ग्राउंड पे गए तो ये फिगरेडो बंदा है इतना स्ट्रॉन्ग है फिजिकली ही विल डोमिनेट यू और मुरेनो का फिनिश करना फिगरेडो को एक सबमिशन चौक में ये अपने में कितनी बड़ी बात है फाइट के शुरुआत से ही प्रेशर डाल रहे थे मोरनो ही वाज द गाय जो आगे बढ़ रहे थे ही वाज द गाय जो कि प्रेशर डाल रहे थे एंड बिल्कुल नहीं घबराए कि हे सामने मेरे कौन है बिकॉज वी न्यू कि फिग्रेडो इज़ द गाय हु हैज मोर पावर वो फेंक रहे थे पावर पंचज वो फेंक रहे थे पंचेज़ जिसमें क्यों पावर थी बट स्टिल जिस तरीके से वो फाइट को ग्राउंड पे लेके गए कंट्रोल किया और चॉक आउट किया बाय रियर रियल नेट चौक इट्स अ वेरी वेरी यू नो इम्प्रेसिव विन खासकर तब अब लास्ट फाइट इतनी क्लोज थी एंड एंड टू बी फ्रैंक जैसे खुद बात की यूसी प्रेसिडेंट ने की नॉट मेनी पीपल वर थिंकिंग कि शायद ये फाइट जीत पाएंगे इतनी आसानी से वो भी पंडित मुरेनो बिकॉज लास्ट फाइट में लाइक यू नो हमने बात की थी पहले कैसे भी कि एक पॉइंट मिस किया था एक पॉइंट कट हुआ था प्रीवियस uh, चैम का डेविसन का बिकॉज ऑफ ए इलीगल शॉट और वो अगर ना होता तो शायद ये फाइट ड्रॉ नहीं होती बट वो इतनी अच्छी फाइट थी एंड इन इन ए वे हमें लगा कि शायद कि अगर उस फाइट में ऑब्वियसली इट वॉज़ अ फाइट फॉर्थ विद जस्ट थ्री फोर वीक्स के गैप के बाद एंड बैक टू बैक फाइट करना इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट और शायद फिगरेटो अपना बेस्ट नहीं दे पाए इस फाइट में आफ्टर ए रेस्ट ऑफ यून ओ फ्यू मंथ्स फ्रेश होंगी फिगरेटो एंड ही विल डोमिनेट ही विल विन बट सबको शॉक कर दिया ब्रेंडन ने और जो रेस्पेक्ट दी प्रीवियस चैम्प ने आई मीन ऑल क्लास ऑल क्लास जिस जिस तरीके से जो हुआ था फेस ऑफ जो पुश किया था डेविसन ने आई फेल थी यू नो इतना गुस्सा इतनी नफरत लेकिन जैसे ही फाइट एंड हुई ही वॉज़ क्लैपिंग और उनको उठाया एंड यू नो ऑल जो भी उन्होंने कहा बोला फाइट में भी फाइट के बाद जो बोला आई एम एन अमेजिंग आई फील की डेविसन नोस की यू नो ही मेस्ट अप ही मैस्ट अप एंड अब वो बात कर रहे हैं शायद मे बी विल गो टू द नेक्स्ट डिवीज़न जैसे हम बात कर रहे थे कि ही इज़ अ वेरी बिग गाय फॉर फ्लाई डिवीज़न तो शायद वो अब जाएंगे नेक्स्ट वेट डिवीज़न में जो कि है बेंटिविन डिवीज़न जो कि और भी एक अच्छी बात है वह हमारे पास और अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं बट दोस्तों ये जो फाइट थी डेफिनेटली जिस तरीके से परफॉर्म किया हमारे न्यू चैंप ने इट्स अ वेरी वेरी इंप्रेसिव विन और खासकर तब की फिजिकली ही वाज यू नो लाइक ए सेड गुंडा कॉलेज का फिगरेडो शरीफ लॉन्डा कॉलेज का यू नो मोरेनो एंड यू नो दिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि लुक्स डजेंट मैटर मच यू नो ही वॉज नॉट द बिगर गाए

हर ट्रेनिंग कैंप में तीन एक दो साल लाइफ के मेरे कम हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं खुलेआम कि हर ट्रेनिंग कैंप मेरी लाइफ में से साल दो साल आराम से खींच रहा है चूस रहा है लेकिन आई डोंट माइंड इफ आई बिकम द कैम्प एंड ही आई कैन फील कि वो कितना टफ उनके लिए राह हुआ ट्रेनिंग कैंप ऑब्वियसली ही इज़ नॉट ऑल्सो वेरी स्मॉल गाय फॉर दिस डिविजन वो भी इतने छोटे नहीं हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं साइज़ में नॉट एज बिग एज फिगरेडो बट यस यस यू नो मे बी इट वॉज़ नॉट द बेस्ट वेट कट उन्होंने बताया कि इट वॉज नॉट द बेस्ट वेट कट फॉर हिम बट फिर भी जो दिखाया उन्होंने द स्किल सेट दोस्तों अमेजिंग एंड वी कैन ओनली इमेजिन कि आ, आने वाली जो कुछ फाइट्स होंगी अगर नहीं होता री मैच विथ ग्रेडो जो कि आई फील कि बहुत ही अच्छी फाइट हो सकती है इट विल भी अमेजिंग टू सी क्यू नेक्स्ट आगे क्या करेंगे तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो फॉर द न्यू मैक्सिकन बॉर्न चैम्प वेंडिन मोरनो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में